अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दीनो दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज रमज़ान करीम का दूसरा जुमा है। आप सबको रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। हम सब बहुत नसीब वाले हैं जो हमें फिर से रमज़ान नसीब हुए। तो इस महीने में बहुत सारी इबादत कीजिए, रोज़े रखिए, सदका व खैरात कीजिए और जो यतीम है, गरीब है, ज़रूरतमंद है, उनकी भी मदद कीजिए। चलिए आज हम आपके साथ एक हदीस शेयर करते हैं। सैयदना अबू रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हो, माह रमज़ान के रोज़े रखती हो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो और अपने शोहर की इताअत करती हो, तो उससे कहा जाएगा कि जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहो दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत ही प्यारी हदीस बताई है हमें कि सिर्फ़ ये 4 कामों पर अगर हम अमल कर ले तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें जन्नत नसीब कर देंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, आप सब भी ये इन बातों पर ज़रूर अमल करें, नमाज़ें पढ़ें, माह रमज़ान के रोज़े रखें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें और अपने शौहर की इताअत करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक हम सबको जन्नत ज़रूर नसीब करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप इस हदीस को सिर्फ अपने तक ही ना रखें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल दीनो दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपसे मेरी एक और मौद्देबाना दरख्वास्त है कि फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए भी ज़रूर दुआ करें, उन्हें हमारी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। उनके लिए दुआएँ करें, नफिल नमाज़ें पढ़े, सदका व खैरात करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उनकी मुश्किलें ज़रूर आसान करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आप में से कोई एक भी इस पर अमल कर लेगा तो हम सबके लिए सदका जारिया होगा। तो इसे सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।